कल मैंने आपको मोठ के बारे में बताया, मोठ को मुष्टि का बहुलक भी कहते हैं। किसी भी श्रेणी या समंक माला आइटम या वैल्यू में जिसकी अधिकता रहेगी, जिसकी बहुलता रहेगी, जो ज्यादा रहेगा वो उस वैल्यू का या उस सीरीज का मोठ होता है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ, इसलिए इसको बहुलक भी कहते हैं। बहुलक जैसे कि बहुत होता है, बहुत से बहुताया या बहुलक, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं। मोड में तीन सीरीज होती है, पहली इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड ग्रुपेड सीरीज। कल मैंने पहली वाली सीरीज इंडिविजुअल सीरीज को आपको बताया था। इंडिविजुअल सीरीज में हम मोड तीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला बाय इंडेक्शन, जिसमें आप देख के बता देंगे जो सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता होगी जिस वैल्यू की या जिस आइटम की, वो उस पद मूल्य का मोड बताएगा। क्लियर। सेकंड बाय चेंज ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में बदल के आप मोड फाइंड कर सकते हैं। थर्ड बाय फार्मूला, बाय फार्मूला में कल मैंने बताया था जेड इक्वल टू 3x bar minus 2m। क्लियर। तो आपने इंडिविजुअल सीरीज में क्लियर कर लिया। अब इंडिविजुअल सीरीज में आप मोड फाइंड कर लिए, तो अब सेकंड नंबर का जो आता है वो होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान मैंने आपको बताया था कि इसमें क्लास इंटरवल नहीं होता, फ्रीक्वेंसी होती है। आपको क्लास इंटरवल के जगह यहां पे सिर्फ आइटम या वैल्यू रहेगा और साथ में फ्रीक्वेंसी देगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको यहां पे वैल्यू दी गई है फाइंड मोड दिस वैल्यूज, वैल्यू 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये आपको वैल्यू मिली। वैल्यू की जस्ट मुझे फ्रीक्वेंसी है। श्रेणी की फ्रीक्वेंसी है जो वहां सबसे अधिक है,
या सबसे बड़ी है, लेकिन वो दो बार आई, तो आपको फाइंड करने में बड़ी दिक्कत होती है कि हम किस वैल्यू को मोड मारें। जैसे कि क्वेश्चन आपको वैल्यू दी गई है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपको होती है, और उसके साथ में फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 7, 9, 8, 9, 12। अब बेटा यहां जरा ध्यान दीजिए, आपके वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी तो दे दी गई और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी भी आपने दे दिया, यहां पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है 9, लेकिन 9 यहां पे दो बार आई है, वैल्यू नंबर 9 की फ्रीक्वेंसी भी 9 है, वैल्यू नंबर 11 की फ्रीक्वेंसी 9। अब आपको अगर मोड फाइंड करना है तो आप किसे फाइंड करेंगे, 9 को अगर मानते हैं तो 11 की भी फ्रीक्वेंसी 9 है, 11 को मानते हैं तो 9 की भी फ्रीक्वेंसी 9 है, तो यहां पे सबसे बड़ी है। इस कंडीशन में जब किसी भी पद मूल्य की या किसी भी आइटम की फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी है और डबल हो गई है, दो एक से अधिक बार प्रयुक्त हुई है, तो उस कंडीशन में हम ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल के थ्रू मोड फाइंड करते हैं। तो यहां पे आपको मोड के लिए ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाना है। आप ध्यान से देखिए, आपको यहां पे मोड फाइंड करने में दिक्कत होगी, दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डबल आई है तो यहां पे सबसे बड़ी है, इसलिए स्पष्ट नहीं है कि मोड कौन सा होगा। क्लियर है क्या? क्लियर नहीं है ना, इसलिए यहां पे ग्रुपिंग टेबल बनाया जाएगा। देखिए 9, ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है तो यहां सबसे बड़ी है, आप 9 को भी नहीं मान सकते, 11 को भी नहीं मान सकते, इसलिए क्लियर करने के लिए हमको इस कंडीशन में ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा। ग्रुपिंग टेबल के थ्रू ये क्लियर हो जाएगा। ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाना है ये देखिए ध्यान से, अब हम यहां पे ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। ग्रुपिंग टेबल यहां पे वैल्यू लिख दीजिए, इसमें 6 खाने बनाने होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव एंड सिक्स। और यहां पे ऊपर में आप ये लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और इस साइड में लिखेंगे वैल्यू, जो वैल्यू थी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां पे आपने 6 कॉलम बनाया है, फर्स्ट वाले कॉलम में जो क्वेश्चन में दी गई फ्रीक्वेंसी है वो लिखेंगे, जैसे कि 4, 5, 6 3, 9, 7, 9 और 5। ये 9 जो फ्रीक्वेंसी है ये डबल आ गई, क्लियर? पहली वाली फ्रीक्वेंसी में, पहले वाले खाने में क्या लिखना है आपको, पहले खाने में क्वेश्चन में दी फ्रीक्वेंसी को लिखनी है, उसके बाद जो सेकंड खाने आप में आपको क्या करना है, दो दो के जोड़े
सिक्स और थ्री का जोड़ा हो जाएगा, नाइन और सेवन का जोड़ा होगा और नाइन और फाइव का जोड़ा होगा। क्लियर? अब इसको यहां पे जोड़ के लिख दीजिए, फोर और फाइव नाइन, सिक्स और थ्री नाइन, नाइन और सेवन सिक्सटीन, नाइन एंड फाइव फोर्टीन। अब यहां पे देखिए बेटा, जो सेकंड कॉलम है उसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी हो रही है, सिक्सटीन, तो उसको दिमाग में, जैसे यहां पे आपने नाइन नाइन पे दिमाग में। क्लियर? उसके बाद तीसरा कॉलम होगा, तीसरा कॉलम पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के दो दो के जोड़े बना देगा। पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए, मतलब फोर को छोड़ दीजिए, फाइव और सिक्स, थ्री और नाइन, सेवन और नाइन। फाइव यहां पे सिंगल हो रहा है, इसके लिए जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि आपको दो दो के ही जोड़े बनाने हैं। अब इसको दोनों को जोड़ के लिखिए, फाइव और सिक्स इलेवन, थ्री और नाइन ट्वेल्व, नाइन और सेवन सिक्सटीन। इस कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को रिमार्क कीजिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो रही है सिक्सटीन, उसको रिमार्क कर दीजिए। ये तीसरे नंबर के कॉलम में इस तरीके से बनाना है, पहले कॉलम में क्वेश्चन में दी गई फ्रीक्वेंसी, दूसरे कॉलम में दो दो के जोड़े, तीसरे कॉलम में एक को छोड़ के दो दो के जोड़े। अब कॉलम नंबर फोर, कॉलम नंबर फोर में आपको तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, मतलब फोर फाइव एंड सिक्स, सेवन एट और नाइन, टेन और इलेवन डबल हो रहे हैं, यहाँ पे तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, तो तीन नहीं हो रहा है, इसलिए टेन और इलेवन को छोड़ देते हैं। अब पहली वैल्यू क्या है, फोर फाइव और सिक्स, और दूसरी वैल्यू सेवन एट और नाइन, तो ये तीनों को जोड़ दीजिए, फोर फाइव नाइन और सिक्स फिफ्टीन, यहाँ पे लिख दीजिए टोटल करके, फिर सेवन एट और नाइन 24, तो ये 24 लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो रही है उसको आप रिमार्क कीजिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो रही है 24, 24 रिमार्क कर दीजिए। चौथे कॉलम, कॉलम में आपको तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। अब पांचवा कॉलम में, पांचवें कॉलम में फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के या फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के आपको जोड़े बनाने हैं। अब पहले वाले फ्रीक्वेंसी को छोड़ के आपको तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, तो पहली फ्रीक्वेंसी फोर है, अब सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी है फाइव सिक्स और थ्री के जोड़े बनाएंगे, फिर नाइन सेवन और नाइन के जोड़े बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी फाइव सिंगल बच रही है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, तीन पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो अब ये बनाएंगे फाइव सिक्स और नाइन, इसको टोटल कीजिए, फाइव और सिक्स इलेवन और थ्री फोर्टीन और भी नाइन सेवन ट्वेंटी फाइव। इस कॉलम में आपने क्या किया, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के दूसरी तीसरी और चौथी के तीन के जोड़े बनाए, फिर पांचवी छठवीं और सातवीं को जोड़ के तीन तीन के जोड़े बनाए, और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी टोटल करने के उसको आप रिमार्क कर दीजिए, यहां पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या होगी फाइव। क्लियर? अब सबसे लास्ट कॉलम जो बचा है आपका, वो लास्ट कॉलम है प्रश्न में दी गई फ्रीक्वेंसी में से दो पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर तीन तीन के जोड़े, तो पहली दो फ्रीक्वेंसी क्या होती है फोर और फाइव, ये दोनों को छोड़ दीजिए, अब सिक्स थ्री
और 9 के जोड़े बनाना है, तो 6 के आगे चिन्ह लगा के 6 3 और 9, फिर उसके बाद 7 9 और 5, क्लियर। अब इसको टोटल कर लीजिए, 6 और 3 9, 9 9 18, फिर 9 और 7 16, 16 और 5 20। इस कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी हो रही है? 21, इसको रिमार्क करेंगे। ये आपका ग्रुपिंग टेबल है। ग्रुपिंग टेबल किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले वैल्यू लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दी है, पहले वाले खाने में जो क्वेश्चन में दिए गए फ्रीक्वेंसी है वो लिख लीजिए, दूसरे खाने में दो दो के जोड़े, तीसरे खाने में एक को छोड़ के दो दो के जोड़े, चौथे खाने में तीन तीन के जोड़े, चौथे खाने पांचवे खाने में एक यानी पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के तीन तीन के जोड़े, और लास्ट खाने में मतलब छठवें खाने में पहली दो फ्रीक्वेंसी को छोड़ के तीन तीन के खाने। इस प्रकार से आप ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। जब ये आपका ग्रुपिंग टेबल बन जाएगा तो आपको एनालिसिस टेबल बनाना है। एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा, मैं यहां पर स्लाइड बना देता हूं। एनालिसिस टेबल यहां पे लिख लीजिए, सीरियल नंबर, मैक्सिमम वैल्यू, जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन को वो लिख लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस प्रकार से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको लिखिए और इसको भी इस प्रकार से कॉलम बना लीजिए। क्लियर। अब यहां पर जो सीरियल नंबर है, ये वाला सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो लिखे हैं वो लिखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4, 5 एंड 6। और जो सबसे नीचे यहां पे टोटल टोटल नंबर आपको टोटल करना पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले खाने में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? 9, जो दो बार आया तो वो किसकी फ्रीक्वेंसी है? 8 की और 10 की, तो 8 और 10 में निकला है, 8 और 10 में निकला। अब सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 16 है जो 8 और 9 की है, तो दूसरे नंबर्स में 8 और 9 पे टिक लगा दीजिए। उसी प्रकार तीसरे नंबर पे आएंगे, तीसरे नंबर के कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो रही है 16 जो हो रही है 7 और 9 की, मतलब 9 और 10 की, तो 9 और 10 में टिक लगा दीजिए, क्लियर। अब उसी प्रकार फोर्थ रो में देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 19, वो किसकी है? 7 8 और 9 की, 7 8 और 9, तो 7 8 और 9 की टिक लगा दीजिए। अब पांचवे नंबर के कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 25, किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी हो रही है? 8 को छोड़ के आपने तीन तीन के जोड़े बनाए थे, इसलिए क्या हुआ है? 8, 9 और 10, तो 8, 9 और 10 में निकला है, 8, 9 और 10। अब सबसे लास्ट वाला कॉलम छठे नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी यहाँ पे है 21, आपने रिमार्क किया है 21 की फ्रीक्वेंसी है 9, 10 और 11 की, तो 9, 10 और 11 में टिक लगा लीजिए, 9, 10 और 11,
ये देखिए, जो आपने 6 कॉलम बनाया था वो सीरियल नंबर में 6 नंबर तक के आपने टिक लगा दिया कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किस किस खाने की थी और सबसे बड़ी, क्लियर। अब यहाँ पे टोटल कर लीजिए, यहाँ पे टोटल मील है, इसमें डैश कर दीजिए, यहाँ भी मील है, यहाँ भी मील है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखिए जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो सबसे बड़ी कौन सी हो रही है, 5। ये 5 फ्रीक्वेंसी किसकी हो रही है, 9, इसलिए मोड क्या होगा, 9। अब यहाँ पे बिटा दो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोड इक्वल टू 9, बिकॉज आइटम और वैल्यू 9 की फ्रीक्वेंसी 5 यहां सबसे अधिक है, अतः यहां मोड 9 होगा, therefore z इक्वल टू 9। या इस प्रकार से आपको ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाना है। किस कंडीशंस में, जब किसी क्वेश्चन में दी गई पद वैल्यू की या आइटम की फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी है वो डबल रिपीट हो गई, उस कंडीशन में आपको ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।